हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 17.4.1 के नए अपडेट में आईफोन का बैटरी टेस्ट करने वाले हैं। आपको कैसा बैटरी बैकअप रिसीव होगा अगर आप 17.4.1 के नए अपडेट को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करते हो, और बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप हुई है अपडेट करने के बाद या नहीं, आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बैटरी से रिलेटेड रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ इस नए अपडेट में। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को। तो अपडेट का साइज़ जो मेरे को रिसीव हुआ है मेरे डिवाइस पे वो है 305.4 मेगाबाइट्स। तो हर एक आईफोन के हिसाब से आपको साइज़ जो है अपडेट के वो अलग अलग देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर कोई भी नया फीचर तो एप्पल ने इंक्लूड नहीं किया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बग्स जो हैं जो आईफोन यूज़र्स को फेस करने पड़ रहे थे 17.4 के पुराने अपडेट में, उन सभी बग्स को एप्पल ने फिक्स करा है। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं इसकी बैटरी हेल्थ में कितना ड्रॉप आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 84% है करंटली मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ। तो बैटरी हेल्थ में कोई भी ड्रॉप नहीं आया है। एक दिन यहाँ पर बीत चुका है इस अपडेट को मुझे यूज़ करते हुए, और दूसरे दिन मैं आपको ये वीडियो यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ कि बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप नहीं हुई है। वरना कई अपडेट्स ऐसे होते हैं जो कि एक दिन के बाद ही बैटरी हेल्थ को ड्रॉप कर देते हैं, बट ये जो अपडेट है यहाँ पर बैटरी हेल्थ को ड्रॉप नहीं कर रहा है एक दिन बाद भी। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन XR को। XR के ऊपर आपको ऐसा बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत ही एक्टिविटीज़ यहाँ पर मैंने करी हैं अपने डिवाइस पे, तो इसकी जो बैटरी है वो स्टेबल नहीं रहती है। तो बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो आपको इस डिवाइस पे और आईफोन XS और आईफोन 11 के ऊपर देखने को मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हो रात के टाइम पे भी ये अपनी बैटरी को स्टेबल नहीं रखता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करे ही जा रहा है। तकरीबन ये 10% बैटरी रात के टाइम पर ड्रेन कर देता है आईफोन XR। अगर आपके पास आईफोन XS है तो वो भी आपको सेम टू सेम इसी तरह का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने वाला है। तो करंटली मेरे पास 84% बैटरी हेल्थ वाला डिवाइस है। अगर आप 90 या 90 से प्लस बैटरी हेल्थ वाला आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको शायद काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। तो लास्ट मैंने इसे चार्ज किया था 70%, एक मिनट पहले 70% हुआ है। तो एक मिनट में इसने बैटरी को अभी तक ड्रॉप नहीं करा है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं इस आईफोन पे यूज़ करता हूँ। तो मेनली यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कैमरा की एप्लीकेशन और अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब और कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशंस ही बस मैं इस डिवाइस पे यूज़ करता हूँ, और कोई भी गेमिंग वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। और साथ में हीटिंग की अगर बात करें इस अपडेट में, इस डिवाइस पे हीटिंग का आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हैवी गेमिंग या वीडियोस को एडिट वगैरह करते हो अपने डिवाइस पे, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपके लिए हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आप अपने डिवाइस को बिना रुके यूज़ करते जाओगे, उसमें से वीडियोस को शूट करोगे हाई क्वालिटी के ऊपर और साथ में वीडियोस को एडिट करोगे हाई क्वालिटी में, उस टाइम के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो पुराने डिवाइसेज हैं उनमें आपको बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलेगा, और जो नए नए आईफोन से जैसे कि आईफोन 12, 13, 14, 15 सीरीज़ में आपको कोई भी बैटरी ड्रेन का इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइज, ये था कम्प्लीट बैटरी रिव्यू 17.4.1 के नए अपडेट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।